अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। वैसे तो योगी सरकार गांव के विकास के लाख दावे करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मथुरा का एक ऐसा गांव जहां योगी राज में बूंद बूंद पानी को तबाह है गांव के लोग, जहां जान जोखिम में डालकर 2 किलोमीटर से लाते हैं पानी। ये गांव है गोवर्धन तहसील का नीम गांव, जहां पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर रोड पार करके महिलाएं पीने का पानी लेकर आती हैं। कई बार बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, मगर प्रशासन ने अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि गांव के लोगों को पीने का पानी मिल सके। जब इस बारे में गांव प्रधान से बात की गई, तो प्रधान ने बताया कि कई बार उन्होंने जिलाधिकारी मथुरा, सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को लिखित रूप से दिया है, लेकिन इन सभी से आज तक पानी तो दूर आश्वासन तक नहीं मिला। प्रधान ने बताया कि महिलाएं 2 रोड और रेलवे लाइन पार करने के बाद पीने का पानी लेकर आती हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? कौन से गांव के प्रधान है आप? नीम गांव। अच्छा, ये जो समस्या है लेडीजों को पानी की, क्या है ये मामला, क्या है? गांव के अंदर जो है वो पानी खारी है, गांव से 1.5-2 किलोमीटर मीठा पानी है। और वैसे पानी के बारे में सबको अवगत करा दिया है। अच्छा, किसके सरकारी को आपने अब तक अवगत करा दिया इस संबंध में? पहले यहाँ पे कमिश्नर साहब आए थे और निरीक्षण किया था, पहले DM भी आए थे, उनको भी लेटर दिया था, और हमारे विधायक जी उनको भी सब संज्ञान में है, और हमारी जो सांसद हैं हेमा मालिनी उनको भी सब जानकारी है, और पैसा भी सैंक्शन हो गया है इसका, लेकिन अभी बजट नहीं मिल पा रहा। जैसा कि हमारे कैमरे में कैद हुआ है कि लेडीजें 2 रोड पार करके जाती हैं और रोड बदस्तूर चलता रहता है, और इस तरीके से देखने में आया है कि इस हिसाब से तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और क्या नहीं, वो तो है ही है। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि पानी की सुविधा होनी चाहिए और टंकी। अच्छा, जैसे कि हमने आपके गांव में अभी देखा है, कुछ लोगों ने बताया कि साहब सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सफाई कर्मचारी 2 हैं, गांव बड़ा है तो अपना राउट जो रूट होता है उस हिसाब से करते रहते हैं। और मनरेगा में आपने कितना कार्य कराया अभी तक? मनरेगा में पिछली बार कराया था करीब 18 लाख का, और इस बार भी करीब 14-15 लाख का हो गया है। अच्छा, क्या क्या कार्य कराए गए मनरेगा के अंतर्गत? मनरेगा में ज़्यादातर चकडोर कराई थी, उसके साथ साथ नालियाँ भी है, करीब 30-35 नालियाँ वो हर बार खुदाई कराते हैं उनको पानी सिंचाई के लिए। अच्छा, चक्रोड कितनी मीटर की कराई हो? हाईएस्ट चक्रोड हमारे यहाँ करीब 3 किलोमीटर की होती है, जो मंजरा नीम नाम पर लिंक रोड को। अच्छा, रीबोरिंग कितने कराए अभी तक आपने? रीबोरिंग 4 करा दी। 4 करा दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर है। हाँ, कहाँ की निवासी हो? गोवर्धन के। नीम गांव के? हाँ, नीम गांव के। अच्छा, क्या समस्या है आपको पानी की? पानी की साफ जी है, गाँव में खारो पानी है, जंगल में दिला में पीवे। अच्छा, पानी कहाँ से लेके आते हो आप? खेतन पे दिला में। खेतों से? हाँ। कितनी दूरी होगी मिनिमम? दूर तो जी ये तुम लगा लो कितने घंटे के हिसाब का था। कितना टाइम लग जाता है आपको घर तक पानी लाने में? लग जाए आदमी घंटा तो धरे ही लियो। ये घंटा? हाँ, ये घंटा तो लग जाए। अच्छा, समस्त लेडीज गाँव की वही जाती है पानी लेने? क्या इसके बारे में कभी आपने प्रधान वगैरह से या किसी से बोला इस संबंध में? बोले का वो तो प्रधान तो हम ही बोले, फिर पीछे जन का आया प्रधान नहीं जाने हम क्या जाने चीज़। अच्छा, आप बोल देते हो तो आपको टाल दिया जाता है? हाँ, हम तो कहा सब तो ही, हम तो ही बीत रही है समस्या पूरे गांव से, यही समस्या पूरे गांव में ही है। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हो? नीम गाँव की। अच्छा, क्या समस्या है पानी की? पानी की यही समस्या, छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो रोते रहते हैं, ये घंटा लग जाता है पानी में। अच्छा, एक घंटा लग जाता है आपको पानी लाने में? और ये रोड पार करना पड़ता है आपको? दो रोड पार करने पड़ते हैं। इसके संबंध में कभी आपने अपने प्रधान वगैरह से बोला? प्रधान ऐसे करते हैं कि वोट मांगते हैं जब तो कह देते हैं, और फिर वोट मांगते हैं बाकी बात, उसके बाद कोई कार्य नहीं कराते हैं? कोई नहीं कराते, चुप लगाते। और जब कभी आप रोड पार करते हैं तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई है इससे पहले कोई, जैसे लेडीज?
कई घटना हो चुकी है, कोई उसमें मरा भी है और का? कितनी लेडीज मर चुकी है अब तक? लेडीज तो नहीं है, बच्चे आते हैं साथ में, बच्चे तो कई बस। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल ग्राम अखा गोवर्धन सौंक मार्ग मथुरा, यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।